अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना, जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कर रहे हो? बच्चा किसका? मेरा बच्चा है। नाम क्या? नाम लखन। खुश नसीब है कि बच्चा मिल गया। सुना है किसी भिखारी ने चुरा लिया था। मैं 2 मिनट के लिए जनरल स्टोर में गई थी, इतनी ही देर में किसी ने उठा लिया। अब मिल गया है ना, ऊपर वाले का शुक्र करो कि सही सलामत मिल गया। जी जय, यू डन अ ग्रेट जॉब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सीरियसली, आपने जो किया है हमारे लिए, उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? हाउ कैन वी हेल्प? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए। इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन 3 से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें, तो 3 × 3 = 9 हुआ, × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 × 3 = 729, 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 × 3 6563 × 3 59649 × 3 59749 × 3 177147 177147 ही लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721 करेक्ट? करेक्ट है। वाह, और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है, जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। सॉरी दीदी। इट्स ओके। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 3 लोगों की मदद कर देना जब भी मौका मिले।
और उनसे कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दें। जी, यही जय की सोच है। आर्मी में रहकर या पॉलिटिशियन बनकर ही देश की सेवा की जाए ये जरूरी नहीं है। ही इज अ गुड मैन। ऑटो आ जाइए अंकल, आ गई ऑटो। आज संभाल के। डायरेक्ट बैठ गया क्या? किधर जाना है? ओ जाना किधर है बताना। ओ चाचा अंकल एड्रेस बोलो। कॉटेज नंबर 5 वसंत नगर वेस्ट। रिक्शा मीरा नगर के आने का उसको भाड़ा भी नहीं मिलता। चलो दूसरा रिक्शा पकड़ो। चलो चलो छोड़ना यार, बुजुर्ग आदमी है, थोड़ी चढ़ी भी हुई है। अरे चढ़ी हो तो मेरे रिक्शा में चढ़ेगा क्या? अरे भाड़ा भी नहीं मिलेगा रे उधर जाने के टाइम। अरे छोड़ना यार, इतनी रात को कहाँ जाएगा ये? ठीक है चलो। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प कर देना। अंकल थैंक्स मत बोलिए, थैंक्स के बदले जब भी मौका मिले ना 3 लोगों की मदद कर देना। देख जय बेटे, मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। दुनिया में सारे लोग तेरी तरह नहीं होते, और आज तो वैसे भी हालात ऐसे हैं कि हर इंसान अपनी परेशानी और दौड़ भाग में लगा हुआ है। अरे मदद करने के लिए कहेंगे सब लोग, मगर करेगा कोई नहीं। और देख जय, तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि अगर तेरी ये नेकी की सोच आगे नहीं बढ़ी बेटे, तो तू मायूस नहीं होना। नहीं होगा माँ, चिल ना यार। मैं क्या तुम लोगों का चिल में ही यार, सच ये थॉट इतना अच्छा और नोबल है कि मैं जरूर मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अभी अभी मेरी शादी हुई है और उसी चक्कर में मैं बहुत बिजी था, तो न वक्त मिला न मौका। पर जैसे ही थोड़ा वक्त या मौका मिल जाएगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। नो प्रॉब्लम। आपने जो किया वो हम भूले नहीं, आपका थॉट भी हमें याद है, हम उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारी खुद की जिंदगी वीजा और पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर में अटक गई है। मेरा बेटा रॉनी और उसकी फैमिली कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, ना ही करना चाहता है। सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। किसी को नौकरी की टेंशन, किसी को छोकरी की टेंशन। मैंने दुनिया देखी, सीधा बोलता हूं, कोई प्यार से बोलेगा, कोई शराफत से बोलेगा, कोई बोलता है मुझे बहुत करने की इच्छा है कि मैं मदद करूं, उसको जाके पूछो तुमने कुछ किया? किया? हाँ? वो बोलेगा कि कुछ नहीं किया, तुम लोग भ्रम में जी रहे हो, क्या कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। चलिए सर, दुनिया खराब है, चलिए किसी ने किसी की मदद नहीं की, आप ही शुरुआत कर दीजिए, शायद आपको खुशी मिले। क्या हुआ जय? डिस्टर्ब हूं और क्या, चेन ऑफ इवेंट्स तो देखो, धड़ा धड़ एक के बाद एक। एक लड़की जिसकी मैंने ऐवी मदद कर दी, वो मेरे सामने जम करके सुसाइड कमिट करती है। एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है, एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है। कितना मैं इस रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करता हूं, ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती हैं? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। तुमने सुना होगा ना लोगों को कहते हुए कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद की। ये आउट ऑफ द वे ही तुम्हारा वे है, क्योंकि तुम बने ही ऐसे हो और तुम्हारी यही बात तुम्हें दूसरों से अलग करती है। तुम मिलिट्री छोड़कर गैराज में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बने हो,
तुम बदलाव लाओगे, मुझे यकीन है। कब और कैसे बस ये देखना है। यार स्कूल दूर है, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ यार। ये ले मेरी साइकिल ले, इससे तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और अच्छे नो बहाना। यार थैंक यू यार। ए, थैंक यू मत बोल, जब भी मौका मिले ना तो कोई भी तीन लोगों की मदद करना और उनसे कहना कि आगे तीन लोगों की मदद करे, समझा? ये ले बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं और रात को 9 बजे उसी जगह पर। कल मैं नहीं आऊंगा साहब, आप किसी और से सेवा करवा लेना। मतलब? मतलब क्या बोलूं साहब आपको, कल ये रिक्शा मैं बेच रहा हूं, किसी और रिक्शा वाले से काम चला लेना। क्यों बेच रहे हो अपनी रिक्शा? वो मेरे बेटी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और डोनेशन बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो रिक्शा बेचने के सिवा कोई इलाज भी तो नहीं है। अब अमीर आदमी तो नहीं। कितने पैसे हैं? छोड़ो छोड़ो सब। नहीं नहीं बोल, कितने पैसे से हैं? बहुत 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 ज्यादा, 20,000 है। 20? एक मिनट, मेरे को आज बहुत महीनों के बाद में पेंशन लगा है, 60,000 रुपए का। ये ले रख। मैं तुम्हारे पास ये ले रख, और तेरी बेटी को अच्छी कॉलेज में दाखिला कराना, अच्छी अफसर बनाना उसको। ये मेरे पास रहेगा ना। वैसे भी एक नौजवान लड़के ने मुझे कहा था, किसी की मदद करके देख खुशी मिलेगी। मदद करके देखा, मिलती है खुशी। थैंक यू। थैंक यू मत बोल, अब तो ये मौका मिले ना तो तू तीन लोगों की मदद कर, और उन तीन लोगों को बोल कि और तीन लोगों की मदद करे, दुनिया बदल जाएगी। क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? बाइक से शॉक, बच्चे को देखो ठीक तो। बेटी आप ठीक हो ना? जी। बेटा तुम ठीक तो? यस सर। शॉक तो नहीं लगा? मुझे शॉक नहीं लग सकता, मेरा हाथ तो लकड़ी का है। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए सर, थैंक यू के बदले जब भी मौका मिले किसी तीन लोगों की मदद करिए, और उन तीनों से कहिए कि वो आगे तीन की मदद करें। अच्छी बात आपको किसने सिखाई? कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी आई थी चिल्ड्रन से फंक्शन के दिन। थैंक यू। बेटा थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो तीन लोगों की मदद जरूर करना। ओके जी। और उन लोगों को कहना कि आगे तीन और लोगों की मदद करें। जी अंकल। बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं तीन लोगों की मदद करूंगा और उनसे कहूंगा कि वो और तीन लोगों की मदद करें। प्रॉमिस। मैम आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है, आप क्या कहेंगी? देखिए जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए
अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है। उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप तीन लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे तीन लोगों की मदद कर दें। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू की बजाय तीन जन की मदद करना और उनको बोलना आगे और तीन जन की मदद करना। तुम्हारी सोच ने कई लोगों को जोड़ा है जय, और बहुतों के दिलों को छुआ है। देखना चाहोगे? व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी। एक जिंदगी सबको मिली, इंसानियत की राह पे चलो, ना भेदभाव कोई रहे, सबके लिए जगह दिल में हो।